जो भी एडजेक्टिव आ रखा है ठीक है, या जो वर्ब आ रखे उसके बारे में और ज्यादा हमने डिटेल से बताया, उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा उसके लिए, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं आपके एडवर्ब। ओके, अगर अपन एडवर्ब की बात करें, जैसे किसी का मैंने एग्जांपल ले लिया, द बॉय प्लेड वेल, ठीक है, बच्चे अच्छे खेल रहे थे, ठीक है। देखो प्लेड आ गया आपके वर्ब, ठीक है, तो कैसे खेल रहे थे वेल, अब वेल एक तरीके से अपन देखे तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर वर्ब को और कौन ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करे कि खेल तो रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, वो आपके कहला रहे एडवर्ब, ठीक है। तो वेल वेल यहाँ पे वर्ड हो गया आपके एक एडवर्ब। इसी तरीके से अपन एडवर्ब की बात करें तो उसके काइंड्स के बारे में देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन उसके टाइम्स को या फिर एडवर्ब क्या होते हैं उसको समझ सकते हैं। तो इसके एडवर्ब के अगर काइंड देखे तो होते हैं आपके फाइव काइंड्स, ठीक है। इसके टाइम्स अपन देखे, फर्स्ट आता है एडवर्ब फॉर मैनर, एडवर्ब फॉर टाइम, एडवर्ब फॉर प्लेस, एडवर्ब फॉर फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब फॉर डिग्री, ठीक है। अपन बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, एडवर्ब फॉर मैनर, मैनर मीन्स जैसे अपन मैनर्स अपन बात करते हैं अपने मैनर्स की, ठीक है। तो इसके सिमिलर है, जैसे कोई भी काम, हाउ मीन्स कैसे हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैनर की बात कर रहा हूँ, इन दैट मैनर, कौन से मैनर के अंदर हुआ, कौन से वे के अंदर हुआ, ठीक है, तो वो सब आपके एडवर्ब फॉर मैनर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे राधा ये सिंग्स स्वीटली, राधा गाना गा रही है, गाती है, ठीक है, लेकिन कैसे गाती है, बहुत अच्छा स्वीटली, बहुत प्यारी आवाज के अंदर, ओके, तो राधा गाती थी लेकिन कैसे गा रही है, स्वीटली गा रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी आवाज में गा रही है। इसके अलावा जैसे मोहन कम क्वाइटली, मोहन जल्दी से आओ, ठीक है, क्विकली, तो इस तरीके से अपन और भी एग्जांपल ले सकते, मतलब कौन से मैनर के अंदर कैसे काम हो रहा है, तो वो आपके कहलाता है एडवर्ब फॉर मैनर। ओके, बात करते हैं अपन एडवर्ब फॉर टाइम, ठीक है। टाइम देखो, टाइम से पता चल रहा है कि एडवर्ब फॉर टाइम क्या हो गया, जहां पर कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो कब हो रहा है। तो देखो ये एडवर्ब हो गया जो वर्ब के बारे में बता रहे हैं सारा। अब सिंग्स कैसे कह रहे थे, स्वीटली, जो वर्ब को ज्यादा डिस्क्राइब कर वो सब कहलाते हैं एडवर्ब, अच्छे से ध्यान रखना, या फिर एडजेक्टिव को, तो जो वर्ब एडजेक्टिव डिस्क्राइब करना वो कहलाते हैं आपके एडवर्ब। तो देखो इसने सिंग को डिस्क्राइब किया, तो गा रहे तो कैसे गा रहे, स्वीटली गा रहे थे। अब टाइम की बात हो रही है तो कोई भी एक्शन वर्ड कब हुआ, टाइम, ठीक है, टाइम कब हुआ, व्हेन, ठीक है। तो उसके लिए अपन जैसे एग्जाम्पल की बात करें, डिड नॉट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आई थी, ठीक है, तो देखो यस्टरडे हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन टुमारो, डेली, ओके, लेट, ऐसे जो वर्ड आते हैं ये आपके सब आते हैं कहां पर, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर, ओके। तो मतलब कोई भी काम कब हुआ, जब टाइम की बात हो रही हो, ठीक है, व्हेन, तो वहां पर आपके आता है एडवर्ब फॉर मैनर। अब आता है एडवर्ब फॉर प्लेस, अब देखो कोई भी वर्ब हो रही है तो वो एक्शन तो कर रही है, लेकिन किस जगह कर रही है, जहां पर उसकी जगह के बारे में बातचीत हो रही हो, मीन्स वेयर, विच प्लेस, मतलब कौन सी जगह, कहां, तो वहां पर आपका आता है एडवर्ब फॉर प्लेस। जैसे इसने एग्जांपल दिया, आई एम प्लेइंग देयर, मैं वहां पर खेल रहा हूँ, ठीक है, तो देयर, हियर, यहाँ पर, वहां पर, ओके। इसके अलावा जैसे एवरीवेयर, आउटसाइड, नियर बाय, इनसाइड, तो ऐसे जो वर्ड आते हैं वो सब आते हैं आपके एड्रेस ऑफ प्लेस के अंदर, ओके, जहां पर जगह की बात हो, प्लेस की बात हो, तो आ गया आपके एड्रेस ऑफ प्लेस। अब आता है एड्रेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कुछ चीज जैसे अपन देखते हैं ना, रिपीटेड हो रही है, कितनी बार हुई, जहां पर हाउ मच किसी की बात, देखो यहाँ पे लिखा है हाउ ऑफन, कितनी बार हुई, या फिर एट व्हाट इंटरवल्स, कितने टाइम तक हुई, कितने टाइम बाद हुई, ठीक है। तो ऐसी चीज जब हो रही है, जैसे कुछ चीज रिपीट हो रही हो, ठीक है, या फिर कितनी बार की, तो वो सब आता है आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर। जैसे इसने कहा सीता ब्रश हर डे ट्वाइस, सीता अपने दांतों को ब्रश करते, लेकिन कितनी बार करती है, ट्वाइस, दो बार, ओके। तो जब कोई चीज की आपको बताया जा रहा है कि वो कितनी बार हुई, ठीक है, जब कुछ चीज रिपीट हो रही है, तो वहां पर आता है आपके फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा जैसे नेवर, समटाइम, इसने कभी नहीं किया, समटाइम कई बार, ठीक है, कुछ एक समय, ठीक है। तो ऐसे जो एग्जांपल आएंगे वो आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर। लास्ट वन आता है आपके डिग्री, डिग्री मतलब क्या हो गया, हाउ मच, कुल वर्क हो रहा है तो कैसे हो रहा है, हाउ मच मतलब कितना, ठीक है, कितना, इसके एग्जाम्पल एक्शन नहीं ले सकते, वॉट डिग्री मतलब किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, आपको एक्शन हो रहा है, कोई वर्क हो रही है, लेकिन हाउ मच, कितनी, कैसे हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल का अगर समझे, यू रन वेरी फास्ट, आप चल तो रहे हो, वेरी फास्ट चल रहे हो, वेरी फास्ट बहुत तेज चल रहे हो, तो यहाँ पे डिग्री काम आ रही है, ठीक है। तो जहां पर जैसे अपन इसको डिस्क्राइब करें डिग्री से, या फिर हाउ मच कैसे हो रहा है, कितनी बार, ठीक है, तो वो तेज चल रहा है, ठीक है। हाउ, उसके अलावा जैसे
आई सेटिस्फाई सिम हिम फुली, ठीक है, आई सेटिस्फाई हिम फुली, मैं उसको पूरा अच्छे से संतुष्ट हूं उससे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे आ गया फास्ट, फुल्ली, ठीक है, ऑलमोस्ट, एक्सट्रीमली, जो ऐसे वर्ड जो आते हैं ना, ठीक है, लगभग, हाँ, बहुत तेजी से, बहुत धीरे, ठीक है, कई बार तो ऐसे वर्ड जो आते हैं वो सब आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर। ओके, ये आपके टॉपिक था एडवर्ब। ओके, जिसके बारे में अच्छे से आप एग्जाम्पल के बारे में अपने बुक्स के अंदर देखिए, ठीक है, और अच्छे से वापस पहले करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना, देखिए आपको बार बार समझ में आए। ओके, एडवर्ब क्या होता है, ध्यान अच्छे से रखना, जो हमें बार बार एडजेक्टिव को अच्छे से डिस्क्राइब करे, एक्शन वर्ड को जो अच्छे से डिस्क्राइब करे, वो आप ही कहलाते हैं एडवर्ब। इसके फाइव टाइम्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ठीक है। ओके।